नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में पंचायत प्रतिनिधियों के संपत्ति के ब्यौरे को लेकर। बिहार में पंचायतों के विकास को लेकर कई तरह की खबरें सामने आती रही। प्रदेश के सभी पंचायतों में पदधारकों के लिए संपत्ति का ब्यौरा अब देना जरूरी हो गया है। इधर पंचायती राज तरफ से जारी फरमान में बताया गया है कि अब पंचायत प्रतिनिधियों को संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। आपको बता दें कि इसको लेकर पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला पंचायत पदाधिकारियों को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि सभी पंचायत पदधारकों को संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। बता दें कि पंचायत प्रतिनिधियों को इसी वित्तीय साल के 31 मार्च का कट ऑफ डेट तय किया गया है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 170 के तहत त्रिस्तरीय पंचायतों के सभी पदधारक लोक सेवक घोषित हैं और सभी को चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि ग्राम पंचायतों में सरकार की ओर से केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के साथ मिलकर कई योजनाओं को लेकर बड़ी मात्रा में राशि को निर्गत किया गया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सभी जनप्रतिनिधियों के लिए निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि वैसे लोक सेवक जो कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे उनके खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। इसके साथ साथ पंचायती राज विभाग के निदेशक रंजीत कुमार सिंह ने सभी जिलों के पंचायती राज पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा है कि आप अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा समय पर उपलब्ध नहीं करा पाते हैं तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी के 15 अप्रैल तक उन्हें अपना पहला नोटिस जारी किया जाएगा। साथ ही साथ कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जाएगा। इसके 15 दिनों के अंदर अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में जो है ऐसे जनप्रतिनिधियों से आखिरी बार उनसे जो है स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। इसके बाद इस पूरे मामले के बारे में जिला पदाधिकारी को बताया जाएगा। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर समीक्षा की जाएगी जिसमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि पंचायत पदधारक ने दूसरी नोटिस के बाद भी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता के आरोप में कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज विभाग की तरफ से इस तरह के लेटर इससे पहले भी लिखा गया था जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े प्रतिनिधियों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा गया था। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि संपत्ति का पूरा ब्यौरा जिले के वेबसाइट पर अपलोड होगा। इसके लिए जिला पंचायती राज पदाधिकारी को नोडल अफसर बनाया गया था। उस समय 31 मार्च तक संपत्ति का पूरा ब्यौरा देने को लेकर जो है कहा गया था। साथ ही साथ नहीं देने पे स्पष्टीकरण देने की भी बात कही गई थी। साथ ही साथ ये भी कहा गया था कि अगर इसके बाद भी संपत्ति नहीं यानी कि उसका पूरा ब्यौरा अगर आप नहीं देते हैं तो संबंधित प्रतिनिधि के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में एक बार फिर से पंचायती राज विभाग ने जो है जनप्रतिनिधियों के ऊपर जो है संपत्ति का पूरा ब्यौरा सरकार को देने को कहा है जिसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आप संपत्ति का ब्यौरा संबंधित विभाग को नहीं देते हैं तो ऐसे में आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि पंचायतों में विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें लगातार योजनाओं पर काम कर रही है, उन्हीं योजनाओं पर लगातार फंडिंग हो रही है, पैसे दिए जा रहे हैं। ऐसे में सरकार ये जानना चाहती है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके पास कितना पैसा है और इन योजनाओं की तरफ से जो पैसे दिए जा रहे हैं उसका वो पंचायतों पे कितना खर्च कर पा रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़े भी और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।